मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विस यादव सुर्खियों में। सुर्खियां ये कहती हैं कि नोएडा में एक ट्रैप बिछाया गया पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ के तहत, और उसमें ये खुलासा हुआ कि एल्विस यादव और उनके साथी जो प्रतिबंधित सांप हैं उनकी एक तरीके से तस्करी करते हैं और सांप के जहर का नशा करते हैं। ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं और अचानक से ये आरोप, ये खबर आई। इस पर एल्विस के गांव वाले क्या सोचते हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं गांव के वो क्या सोचते हैं, क्योंकि गांव का एक नौजवान होता है वो बूढ़ी आंखों के सामने से होकर गुजरता है, कैसे आप लोगों ने एल्विस को देखा है, जो आरोप लगे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे गलत लगाया है कि उन्होंने आरोप, यहाँ जो है हमारे बच्चे ठीक ठाक है, हमारे दौरे पढ़े लिखे, कोई ऐप सबाब नहीं थे उसमें, तो हम तो यही कहेंगे पुलिस गलत लगा रही है कि लड़का ठीक है, हमारा परिवार का कोई दूरी नहीं है, बस और हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे। अच्छा, मैं सर इस पूरे वजीराबाद गांव में घूम रहा था और लोग ये कहते हैं कि 26-27 साल का लड़का है और आरोप ऐसे हैं जिनकी कोई जड़ें नहीं है, अचानक से शायद उसको बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लड़का ना तो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके परिवार के पीछे से कोई ऐसी पृष्ठभूमि रही हो कि उनके अंदर कोई किसी तरह का कोई क्रिमिनल आदमी रहा हो। बहुत शरीफ माँ बाप हैं, बहुत शरीफ परिवार से है। फादर इसके हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो है वो टीचर हैं, मदर इसकी हाउस वाइफ है, ताऊ जी इसके सेंट्रल बैंक से जो है वो मैनेजर रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छे परिवार से है। इस तरह के कोई भी उसमें वो नहीं है। एक उठते हुए बच्चे को सिर्फ किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए या कैसे किया जाए, सिर्फ वो मामला है, बाकी कहीं पर कुछ नहीं। क्या लगता है सर, क्या वजह हो सकती है इस तरीके से सुर्खियों में आना? पहले भी इस तरीके से विवादों में एल्विस आ चुके हैं कि गमला उठा लिए, सरकारी गमले चौराहे से उठा लिए, ऐसे आरोप भी उन पर लगे थे, अब एक नया मामला? नहीं, ये तो कोई नया मामला ना है, तो जो चढ़ता बच्चा रहे, समझदार रहे, उस पर आरोप लगता ही रहे। सुशांत सिंह राजपूत को मार ही नहीं दिया था, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐब है ही नहीं, तो गलत आरोप लगाए जाओ दुनिया, उससे क्या होता है? अच्छा, कुछ नहीं होता। एल्विस के अगर चाल चलन की बात करें, क्योंकि 26 साल के युवा ही है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 25 साल का किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। उसने कभी भी बीड़ी सिगरेट भी ना पी, ड्रग्स तो बहुत बड़ी बात है, या सांप का जहर वो करना, लेकिन जो बच्चा समझदार चढ़ रहा हो किसी बात पर, उसकी ज़्यादा सुर्खियाँ हो तो उसने डाउन करने के लिए कोई ना कोई तो रचना रची जाए, तो वही काम एल्विस के साथ हो रहा है। बाकी गांव में रहा इतने किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आज। कुलदीप बोरा जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आप यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 31 से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और जो पार्षद होते हैं या जो नेता लोग होते हैं वो आसपास के परिवारों को अच्छे से जानते हैं और खुद आप ही के क्षेत्र में यहाँ पर रहते हैं, परिवार कैसा है? और उनके पिता कल भी ये कह रहे थे कि हम तो गाय भैंस पालने वाले लोग हैं, सांप क्यों पालेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बिल्कुल सही है, उसके माता पिता और मेरा एक ही परिवार है, अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं, और इस लड़के का गलत नाम लिया जा रहा है। एल्विस यादव बिल्कुल बेकसूर है और जल्द ही बेकसूर होकर आप लोगों के सामने भी आएगा। इस तरीके का हमने तो ना उसको देखा और ना हमने सुना, वो बीड़ी सिगरेट तक भी नहीं पीता है, ना किसी तरीके के नशे में, वो बड़ा मेहनती लड़का है और अपनी मेहनत अपने काम से लगा हुआ है, और उसके काम का रिजल्ट आप लोगों के सामने भी है कि इतने कम समय में कामयाबी भी हासिल उसने की है। क्या लगता है आपको इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हरियाणा का युवा हम देखते हैं कि तमाम क्षेत्रों में, चाहे खेल के क्षेत्र हो, राजनीति हो, तमाम हरियाणा के बड़े चेहरे ऊपर पटल पर उठ के आते हैं, शायद फिल्मों में नाम बना रहा है हरियाणा का लड़का, इसके पीछे साजिश हो सकती है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, मुझे जो लगता है कि कामयाब लोगों के जीवन में ऐसी दिक्कतें तो आती है, और इसके गरीब घर से उठा हुआ लड़का है तो कामयाबी से लोग, कुछ लोग जड़े हुए हैं और इसके पीछे लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, नेगेटिव भी चल रहे हैं, पीआर बनाकर चला रहे हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि किसी न किसी की ये साजिश है और जल्दी ये साजिश ख़त्म होगी और ये लड़का बेकसूर है और जल्दी बेकसूर आपके सामने भी आएगा। तो आप उस आवाज़ को सुन रहे थे जो एल्विस यादव के गांव के हैं, ये गांव के तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि एल्विस तो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, वो नशा भी नहीं करता किसी तरीके से, तो उस पर ये सारे इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? और इसके पीछे गांव वालों को सिर्फ एक साजिश नज़र आती है कि जब कोई बंदा ऊपर उठता है, उसको शोहरत मिलती है, तो उसको फंसाने वाले भी चार लोग सामने आ जाते हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मैं मानव यादव, न्यूज़ इंडिया।